बहन कुमारी मायावती ने किया बड़ा फैसला, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने का लिया निर्णय। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि आज बसपा नेत्री बहन मायावती, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि बहुजन समाज पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लेती है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव यह खरीद फरोख्त एवं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना रह गया है। जैसा पहले समाजवादी पार्टी ने किया, अब वही काम बीजेपी कर रही है। साथ ही उन्होंने यह विश्वास भी जताया है कि अपने बलबूते वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं समाजवादी पार्टी जीते हुए उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त करके अपने पार्टी में शामिल करने का काम ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। इस बात को बहन मायावती जी ने लोकतंत्र विरोधी भी कहा है। उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा कि वो अपना समय पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगाए एवं आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।